पूरी फिल्मों की हीरोइन का जलवा। बिग बॉस की पॉपुलर कंटेस्टेंट का आशियाना। अक्षरा सिंह की रियल दुनिया। अक्षरा सिंह जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, उनका आशियाना कैसा है ये हम खुद आपको अपने कैमरे की नजर से दिखाएंगे। तो चलिए बजाते हैं उनके घर की बेल और उन्हें बोलते हैं गुड मॉर्निंग। नमस्ते, आइए, अब आप आ गए हैं ढूंढते ढूंढते मुझे, तो आपका स्वागत है हमारे घर में। जितने भी दर्शक देख रहे हैं मुझे इस वक्त, कल तक मैं बिग बॉस के घर में थी, आज अपने घर में हूँ और बिग बॉस के घर में अफरा तफरी में थी, बट अपने घर में सुकून में हूँ और वो सुकून मुझे वहाँ नहीं मिला। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर जहाँ हम सब हम और मेरा परिवार सुकून की जिंदगी बिताता है और जीता है। वैसे आपको बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुकी है और उन्होंने कुछ टीवी शोज भी किए हैं, जैसे कि काला टीका, सूर्य पुत्र, कर्ण। हालांकि वो बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में भी उनका अंदाज निराला था। सोशल मीडिया पर भी अक्षरा काफी एक्टिव रहती है, तो चलिए अक्षरा संग उनके घर के टूर पर। सबसे पहले देखते हैं उनका लिविंग रूम और इस घर को अक्षरा ने अपने हाथों से सजाया है। तो आइए दिखाते हैं अपना घर। ये है हमारा लिविंग रूम और मैं अक्सर आपको यहीं बैठे मिलूंगी अपने स्क्रिप्ट्स के साथ, अपने लोगों के साथ। मेरी ज़्यादातर मीटिंग यहाँ पे ही होती है और स्क्रिप्ट्स भी मैं ज़्यादातर यहाँ ही पढ़ती हूँ इस एरिया में। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे घर के इस कोने में मिलती है। अभी फ़िलहाल तो कपड़े टंगे हैं, बट ये बाहर बालकनी टाइप्स है और बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर है। सो ये मेरा फेवरेट कोना है जहाँ मैं नीचे ज़मीन में इत्मीनान से बैठती हूँ और कभी बुक्स पढ़ लिया तो कभी फ़ोन में लग गई तो ये एरिया ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। टीवी, यहाँ हम सब इकट्ठे होकर टीवी देखते हैं और जितना भी समय मिल पाता है। सो ये कैबिनेट हो गया। हाँ, ये मेरा छोटा सा डाइनिंग टेबल जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, मैं, पापा, मम्मा, छोटा भाई। ये घर मैंने हाल में ही लिया है और एक तरीके से सपना है, तो उसको मैंने सजाने की कोशिश की है अपने स्तर से। उम्मीद है आप लोगों को खूबसूरत लगेगा मेरा ये प्यारा सा घर। सो ये था डाइनिंग टेबल। अब इसके पीछे ये दीवार और उस पर हमारी ये खूबसूरत सी तस्वीर, मैं, मम्मा पापा और ये मेरा छोटा भाई। इस तस्वीर से जुड़ी यादें हैं, वो ये है कि ये हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे और वो भी पटना में और अपने लोगों के बीच, अपने बिल्डिंग के कई सारे लोग भी थे, कजिन्स भी थे। भाई लिविंग रूम तो आपने देख लिया, अब बारी है उनकी रसोई देखने की, जहाँ अक्षरा तो कुकिंग नहीं करती लेकिन उन्हें टेस्टी फूड खाने का बेहद शौक है। और अब मैं इनसे रियल में मिलवाऊँ, भाई तो है नहीं इस वक्त घर पर, वो कोचिंग गया है, बट मम्मी पापा हैं, उनसे मिलवाऊं, उससे पहले आपको किचन दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है मेरा प्यारा सा किचन जहाँ पे खाना बनाते हैं और इनका बागडोर दिया गया है इन दोनों के हाथ में। ये है संतोष और ये लोग किचन संभालते हैं। आज क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में? चिल्ला बना रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। और आज अक्षरा ने मिलवाया उनके कुछ खास दोस्तों से भी। और थैंक यू। और ये है हमारे घर में डुगू। डुगू को दिखा दिया आप लोगों को, उनके बच्चे हैं ये दोनों, क्यूट क्यूट क्यूट, बिस्किट खा रहे हैं। भाई घर देखते देखते अब मिल लीजिए अक्षरा के मम्मी और पापा से। वैसे आपको बता दें कि अक्षरा की मम्मी और पापा दोनों ही एक्टर्स हैं और उन्हीं के गुण अक्षरा में भी आए हैं।
आइए अब मिलाते हैं आपको अपने मम्मी पापा से। सो चूंकि मैं अभी बिग बॉस के घर से आई हूँ और पूरे घर का अटेंशन सबसे ज़्यादा मुझे ही मिल रहा है, प्यार भी सबसे ज़्यादा मुझे ही मिल रहा है, तो आइए मिलाती हूँ अपने मम्मी पापा से। क्या कर रहे थे आप लोग? खुली। सो यू नो घर से इतने दूर इतने दिन तक थी बिग बॉस के घर में, तो इसलिए अब सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है घर में, अटेंशन भी मिल रहा है, क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी, एक मिनट भी दूर होने पे लगता है कि कहाँ गई कहाँ गई। बिग बॉस के घर में जाके इतनी चिड़चिड़ी क्यों? चिड़चिड़ी बिग बॉस के घर में वो घर ही ऐसा है, एकदम से कट ऑफ पूरी दुनिया से ना, तो होता है चिड़चिड़ी, थोड़े दिन रहना वाजिब है। अब बारी है अक्षरा का कमरा देखने की, और रूम दिखाते दिखाते जब मिला अक्षरा को उनका फेवरेट गिटार तो छा गई सुरों की महफिल। ये कमरा मेरा है और मैं इस कमरे की मालकिन हूँ। ये जो कि बहुत गंदा हुआ पड़ा है अभी, यहाँ मैं मेकअप करती हूँ, गाने भी गाती हूँ, सिंगर भी हूँ। सिंगर के घर में इंस्ट्रूमेंट ना हो तो कैसे बात बनेगी। सो आज तो मेरी आवाज़ बहुत ही बैंड बजी है आवाज़ की, ठीक से गा नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करती हूँ आप लोगों के लिए दो लाइन गुनगुनाने की। कि पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गईली गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गईली गुइया। सॉरी मैं इतना ही गा सकती हूँ फिलहाल, इसलिए इतना ही गा के समाप्त करती हूँ और बढ़ते हैं अपने अगले रूम की तरफ जहाँ हमारा पूजा घर भी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अक्षरा का पूजा घर। मैं रियल लाइफ में अक्षरा है काफी संस्कारी। सो ये है हमारे मम्मी पापा का रूम और पूजा घर भी यहाँ है। चूंकि वास्तु के हिसाब से ये जगह पे पूजा घर होना चाहिए था, इसलिए हमने पूजा वाला सेक्शन इधर ही बनाया है। और ये कलर भी बहुत सोच समझ के रखा है, एकदम सटल। वो दुर्गा महारानी है जिनको हम लोग बहुत मानते हैं, लेकिन जब भी भगवान सामने दिखें तो श्रद्धा तो उमड़ ही जाती है। आइए प्रणाम करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। सास बहू और बेटियाँ के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो ढेरों प्यार, और आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखिएगा, जिसके लिए मैं ताउम्र आभारी रहूँगी। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। तो उम्मीद है आपने अक्षरा सिंह के बारे में जानी होंगी छोटी बड़ी बातें, और सास बहू और बेटियाँ यूं ही आपके चहेते सितारों की रियल जिंदगी के नज़ारे आप तक पहुँचाता रहेगा। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।